दिलीप दिलीप शेखर की शादी हो गई क्या? हाय अरे क्या बताऊं, इतनी धूमधाम से शादी हुई है चंदा। ओए ओए अपना शेखर बड़ा तकदीर वाला है। क्या खूबसूरत हस्बैंड मिली है। के? अरे बीवी बीवी। चलो अच्छा ही होयो, मिट्ठू के इलाज के लिए पैसे की मदद तो होगी। नहीं वो तो होगी ही। चंदा मैं सोच रहा हूँ कि अपना भी एग्रीमेंट कर ही डाले। के मतलब? अरे जैसे माला और शेखर का हुआ वैसे ही शर्म को नहीं आवे? ले शर्म कैसी प्यार में, तू मेरे को प्यार नहीं करती क्या? सच्ची बोल बोल बोल। कोई आ जावे गुना। आने दे, पहले कोई धंधा तो करो। अरे हम में से एक तो पार हो गया, अब अपना भी बेड़ा पार हो जाएगा, इसमें क्या है। दिलीप अब शेखर के कर रही होगो? मौज कर रहे होगो सालो। ये क्या? पत्नी सेवा। क्यों? जब मेरे पूज्य पिताजी भोजन ग्रहण किया करते थे तब मेरी पूजनीय माताजी इसी तरह पंखा झलती हुई पति सेवा में लीन हो जाती थी। इस घर में ये सब करने की जरूरत नहीं, तुम ब्रेकफास्ट करो। जी नहीं, मैं एक आदर्श और पत्नी व्रत आदमी हूँ, पहले आपको भरपेट खिला लूँ उसके बाद रसोई में जाकर अकेला खाऊंगा और खूब डट के खाऊंगा जैसे कि हर हिंदुस्तानी नारी करती है। ठीक है ठीक है। आइए। ये लीजिए। थैंक यू। अब मैंने अपने हाथों से आपके सारे कपड़े इस्त्री करके रख दिए। बहुत अच्छा किया। सुनो मैं ऑफिस जा रही हूँ। नौकरों का हाथ का बना हुआ खाना खा खा के मैं तंग आ चुकी हूँ, तो ऐसा करना अपने हाथों से खाना बनाकर ऑफिस भेज देना। जी बहुत अच्छा। ओके। खाना मैंने तो क्या, मेरे बाप दादा ने कभी अपने हाथों से खाना नहीं बनाया होगा, मर गए। सुनिए सुनिए सुनिए, एक छोटी सी अर्ज है। क्या है जल्दी बोलो। मैं कह रहा था कि वो अगर ओफो बताते क्यों नहीं, शर्म आती है लेकिन आज ये कहना होगा अब तो हमें आप ही के पहलू में रहना होगा। ये क्या बकवास है? मेरा मतलब है कि आप मुझे अपने घर में नया नया ब्याह कर लाइए। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि लंच टाइम में आप घर आ जाएं, मुझे गाड़ी में बैठा कर ले जाएं, बंबई शहर में घुमाएं फिराएं और फिर किसी बड़ी फाइव स्टार होटल में लंच खिलाएं? लंच खिलाएं जी? फाइव स्टार होटल जी? मुझे फिजूल खर्ची बिल्कुल पसंद नहीं। और अगर होटल में ही खाना होता तो तुम्हें ब्याह कर इस घर में लाने की क्या जरूरत थी? आज से मेरा खाना तुम बनाओगे, समझे? जी बहुत अच्छा। अगर बुरा ना माने तो क्या है, कम से कम गुड बाय किस तो देती जाइए। खाना बनाना पड़ेगा, अजीब है, क्या मुसीबत है। घोड़ा मार दिया? हाँ मार दिया, मगर अब वजीर मुसीबत में है। वजीर की मुसीबत छोड़िए अंकल, आप मेरी मुसीबत के बारे में सोचिए। क्यों क्या हुआ? आपकी लाडली भतीजी अभी अभी वार्निंग दे गई है कि आज से उसका खाना मैं अपने हाथों से बनाऊं। इसमें परेशानी क्या बात है, बना दो खाना। बना दो खाना? अरे अंकल मैंने अपने हाथों से कभी प्याज तक नहीं काटा, मैं मसाला मसाला कैसे भूनूंगा। अच्छी मुसीबत में डाल दिया अंकल आपने। इडियट जी, तुमको नहीं यहाँ। अरे घबराओ मत बेटे, धीरे धीरे सब सीख जाओगे। ओफ अंकल धीरे धीरे तो ठीक है, लेकिन वो ऑफिस में लंच भेजने को कह गई है। ठीक इट इजी माय बॉय, बॉम्बे शहर है ना, हर मोड़ पे 10-10 होटलें खुली है, किसी अच्छी होटल में घुस जाओ और मटन करी मटन चाप मटन कुर्मा का ऑर्डर दे दो, बस प्रॉब्लम सॉल्व। गुड आइडिया, मगर अंकल अभी तो अपनी जेब बिल्कुल खाली है, बिल कौन देगा? अरे मेरे होते हुए तुम ये सब छोटे मोटे खर्चों की चिंता बिल्कुल मत किया करो। थैंक यू अंकल। मैम सब खाना लगा दूं? हाँ लगा दो। हेलो हाय हाय, आई टेस्ट इट। क्या सच सच ये तेरा हस्बैंड शेखर माला माथुर ने बनाया है? तुम लोग तो जानते हो घर का सारा काम शेखर ही करते हैं। नो किसने बनाया? मुझे भी तो वेरी नाइस जी, यम्मी यम। कितना अच्छा कुक है तुम्हारे हस्बैंड बड़ी, फैंटास्टिक। Hi, darling. How are you? Oh, आप एकदम से बेडरूम में? बेडरूम हुआ तो क्या हुआ, जहाँ तुम होंगे मैं तुम्हारे पास चली आऊंगी। अरे
यहाँ एक कमरा और इस बेड पर सिर्फ एक ही तकिया। क्या तुम यहाँ अकेले सोते हो? नहीं नहीं, ये तो मेरी पत्नी का कमरा है। मेरा कमरा तो वो है। I see. पति उधर और पत्नी इधर। Oh, that's a wonderful chance. देखिए, इस वक्त मैं घर में अकेला नहीं हूँ। मुझे मालूम है। How sweet. ये क्या कर रही हैं आप? मेरे क्लब की सारी बेवकूफ लड़कियाँ माला की ऑफिस में चली गई है। मौका पाते ही मैं यहाँ चली आई। क्या दोनों अलग अलग कमरों में सोते हैं? हाँ, मुझे तो इन दोनों का रिश्ता कुछ अजीब सा लगा। और शेखर का बर्ताव तो बिल्कुल कोई बड़े घर की बहू के जैसा था। लगता है अपनी बीवी से बहुत डरता है। रिंकी, तुमने ये खबर सुनाकर मेरी तबीयत खुश कर दी। अब हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं। साला जोरू का गुलाम। काश मुझे भी कोई जोरू का गुलाम मिल जाता। जोरू का गुलाम? अब इसलिए तो मैंने तुमसे शादी नहीं की। और इसलिए मैंने भी नहीं की। आप थकी आ रही आई होंगी। लीजिए चाय पी लीजिए और लगे हाथों ये बता दीजिए मेरा बनाया हुआ खाना कैसा लगा? बहुत अच्छा था। मेरे क्लब की सहेलियों को भी बहुत पसंद आया। आपकी सहेलियों ने भी खाया? मैंने तो छोटे से टिफिन में खाना भेजा था। आप जरूर भूखी रही होंगी। उनकी मुझसे तारीफ सुनकर मेरा पेट भर गया। अच्छा, मेरी तारीफ हुई? तुम्हारी नहीं, मेरी हुई। क्योंकि मैंने तुम्हारे जैसे आदमी का सिलेक्शन किया जो घर का काम अच्छी तरह जानता है। मुबारक हो, मुबारक हो। थैंक यू। और इसी खुशी में हमारे क्लब की तरफ से एक बहुत बड़ा रिसेप्शन रखा गया है। तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। मगर याद रहे, वहाँ तुम्हें एक ओबीडियंट हस्बैंड की तरह पेश आना होगा। आप बिल्कुल मत घबराइए, मुझे इसका पूरा पूरा ज्ञान है। ठीक है ठीक है। अच्छा, मेरे ऑफिस जाने के बाद यहाँ कोई आया था? था नहीं, थी। थी? आपकी सहेली रिंकी। रिंकी? वो यहाँ क्यों आई थी? अच्छा सुनो, वो बहुत आवारा किस्म की लड़की है। मेरे गैर हाजिरी में उसका यहाँ आना जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन एग्रीमेंट में तो लिखा है कि मैं आपके मेहमानों का मनोरंजन करूं। ओ शट अप। ओके बेटा शेखर, गेट अप। यहाँ शक और जलन दोनों मौजूद हैं और ये दोनों हथियार बड़े काम के। एक को छोड़कर बाकी सब मेरी बहनों, मिसेस एंड मिस्टर माला माथुर की इस नए स्टाइल की शादी औरतों की आजादी के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। एडवेंचर से खुश होकर इस क्लब की तरफ से मिस माला को आदमी जैसे औरत का टाइटल दिया जाता है। यू मीन मैन ट्रेडमार्क वुमन? व्हाट? मेरा मतलब है मर्द छाप औरत। तालियां। बहनों, क्योंकि मिसेस मिस्टर शेखर माला माथुर जो कि एक मासूम गाय जैसा आदमी है, इसलिए हमारे क्लब के तरफ से इन्हें मैन लाइक काउ का टाइटल दिया जाता है। ये तो बहुत अच्छा है। आई एम सॉरी, गाय नहीं, बैल जैसे आदमी है, इसलिए इन्हें मैन लाइक बुल का टाइटल दिया जाता है। अरे अरे, मत जा, चुप चल, बहुत शर्मिला है। बाप रे, ये क्लब है या छह की मक्खियों का छत्ता? ओहो, व्हाट अ लकी स्वीट फेस। एक साथ कितने सारे स्वीट लिप्स अपने निशान छोड़ गए हैं। बड़ी याद आया, उस दिन ऐसा खाना बनाया था कि हाथ चूमने को जी चाहता है। वो तो सब करी पत्ते की झोल झाल है। करी पत्ता? हाँ, करी पत्ता। आप लोग नहीं जानते, शाकाहारी हो या मांसाहारी, हर भोजन करी पत्ते के बिना अधूरा है। जैसे कि नमक बिन दाल, दाल बिन भात, भात बिना बंगा। अरे पर माला, अगले संडे कुकिंग कॉम्पिटिशन में तुम क्या बनाओगी? अरे मैं तो भूल ही गई, क्या बनाऊंगी? रमालू। रमालू? अरे हाँ, अगले संडे हमारे क्लब में कुकिंग कॉम्पिटिशन है, तो मुझे दम आलू बनाना सिखाओगे? अरे दम आलू तो क्या, मैं आपको भालू बनाना भी सिखा सकता हूँ। लेकिन क्या मुझे एक बार बताएंगी कि आपकी क्लब की औरतें जब बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं तो काटने के लिए, चूमने के लिए क्यों दौड़ती हैं? ये उनका कसूर नहीं, तुम्हारा कसूर है। क्या आप मेरी खूबसूरती को मेरा कसूर कहती हैं? खूबसूरत तुम नहीं, तुम्हारा ये सूट है। आइंदा से ख्याल रहे, मेरे साथ ऐसे अच्छे अच्छे कपड़े पहन के मत आना।
और सुनो, तुम अपना ये बालों का स्टाइल भी चेंज करो। अगर आप कहें तो मैं बीच की मांग निकाल लूं और उसमें थोड़ा सा सिंदूर भी डाल दूं। जी नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। ओफ़, पंचर हो गया। शर्मों की तरह बैठे बैठे क्या देख रहे हो? इतना डिफिकल्ट काम एक लड़के का हाथ नहीं बटा सकते? अरे शेखर, हाथ बटाना तो क्या, गला भी कटवा सकता है। लेकिन ये आपकी एग्रीमेंट की क्लॉज नंबर 5 बड़ी टेढ़ी है। लिखा है घर से बाहर के सारे काम पत्नी किया करेगी और जनानियां काम शायद पति किया करेंगे। ओफो, ये काम वो काम नहीं। अच्छा है। कोई बात नहीं, आपके लिए ये भी कर देते हैं। Ready, ma'am.